ताजमहल में प्रतिबंध लगाने के बावजूद नमाज पढ़ने के बाद तनातनी बढ़ गई है। अब इस विवाद में बजरंग दल भी कूद पड़ा और ऐलान कर दिया कि वो भी ताजमहल परिसर में पूजा पाठ करेंगे। दरअसल ASI के बैन को ठेंगा दिखाते हुए ताजमहल इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ी थी। हालांकि वजू टैंक में रोज की तरह ताला ही लगा रहा और नमाजियों ने नमाज पढ़ने से पहले पीने के पानी से खुद को साफ किया। इस दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2018 को आदेश दिया था कि सिर्फ शुक्रवार को ताजमहल मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी, साथ ही स्थानीय लोग यहाँ नमाज अदा करेंगे। इसके बावजूद कुछ लोग ताजमहल पहुंच गए, जिनमें से आधा दर्जन लोगों ने नमाज अदा की। हालांकि शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है लेकिन नमाजियों के लिए दोपहर में 2 घंटे के लिए खोला जाता है। इसी बीच इस विवाद में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल भी कूद पड़ा है। बजरंग दल से जुड़े गोविंद परासर ने कहा कि अब उन लोगों ने ताजमहल में आरती की मांग की थी, उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, अब कैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम भी पूजा करेंगे। हालांकि अब देखना होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।